हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका वीकेंड बाइट किचन किचन में। तो में सुप्रिया, आज क्या स्पेशल बनाने वाली है? आज मटन में बनाने वाले हैं। मटन में क्या? लेकिन याद नहीं कि मैंने तेरे को बोला था क्या बनाने हैं? बता तू। तो आज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो काफी यूनिक और हटके रेसिपी जो है मटन मंगशेर लाल लाल झोल। वाह वाह, और ये फेमस बंगाली रेसिपी है। बंगाली रेसिपी है, नाम से ही समझ में आ गया होगा, झोल। तो सुप्रिया अपने झारखंड का फ्लेवर डाल के उसमें फुल एकदम मसाला स्पाइसीनेस ऐड करके अपनी अदाएं डाल के आज एकदम मस्त बनाने वाली है मटन, वो भी लाल मंगशेर झोल। तो चलो भाई, बढ़ते हैं किचन में रेसिपी की तरफ। चलो चलो चलो। सो आपको तो जैसे कि सागर ने बता दिया है कि हम लोग रेसिपी शूट कर रहे हैं, तो आज का रेसिपी है मंगशेर मटन रेसिपी। तो उसके लिए क्या क्या लगता है वो आपको बताते हैं। चलो, ये हम लोग ने 3 किलो मटन लिया है, जो कि पूरे हम लोग ने मीडियम पीस लिया है। आप लोग भी डिपेंड करता है आप लोग कितने बड़े ले सकते हो। तो भाई इधर आते हैं, अब इधर है रेसिपी का सामान, तो एक एक करके बताते हैं। ये प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, टमाटर लिया है, लहसुन लिया है 10-12, हरा मिर्च लिया है, मटन मसाला लिया है, हल्दी लिया है, ये लाल मिर्च लिया है, ये आपका गरम मसाला लिया है, ये अदरक लिया है, ये मस्टर्ड ऑयल, नमक, ये धनिया पत्ता और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये हम लोग ने थोड़ा सा चीनी लिया है। तो अभी हम लोग मटन में एक एक करके सब डालेंगे। सो हम लोग ने अदरक लहसुन और लाल मिर्च को इसमें डाल दिए हैं और इसको अभी हम लोग पेस्ट बनाएंगे। अब हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सामान लेते हैं। ये जितने भी प्याज काटे थे सब हम लोग इसमें डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं आप, हरा मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला भी डाल देंगे, ये भी 1-1.5 चम्मच आप ले सकते हो, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा लेंगे, मटन मसाला डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, हम थोड़ा सा कम डालते हैं कि मेरे को थोड़ा लास्ट में टेस्ट करने पे डाल सकते हैं, और ये हम लोग मस्टर्ड ऑयल आधा डालेंगे। और अब ये जो हम लोग ने पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन और मिर्च का, वो हम लोग इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे, पूरे अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। हल्का स्पाइसी रखते हैं क्योंकि इन लोगों को शूट में थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है, वरना आप अपने अनुसार स्पाइसी रख सकते हो। सुप्रिया, कितना टाइम लगेगा ये रेसिपी बनने को? ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको बस खाली 1/2 आवर 25-30 मिनट्स इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, उसके बाद अब कुछ नहीं करना, फिर गैस में पकाने पे मतलब 1-1.5 घंटा लगता है। इजी है, बहुत इजी है। हमारा सब पूरा मिक्स करके हो गया है, देख लो पूरे अच्छे तरीके से हम लोग ने पूरा मसाला को मिक्स किया है। अब इसको 25-30 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद? अभी उसके बाद बता रहे हैं, जो रेस्ट पे डाले थे इसको 30 मिनट्स के लिए, वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुका है। तो अब हम लोग इसको कुकर लेंगे गैस पे, और कुकर हमारा ऑप्शनल है, बहुत लोग कढ़ाई में भी मटन बनाते हैं, बट मेरे को इजी कुकर में होता है, तो हम कुकर ये करते हैं। आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। तो भी गैस जलाएंगे और इसको हल्का सा गर्म होने छोड़ेंगे। सो अभी हम लोग इसको मस्टर्ड ऑयल को इसमें डालेंगे, कढ़ाई गर्म हो गया है, मस्टर्ड ऑयल इसमें अच्छा से पूरा डाल देंगे। सो हमारा तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हल्का सा चुटकी भर चीनी डालेंगे और इसको चलाएंगे। चीनी क्यों डालते सागर? बंगाली लोग जो होते हैं ना, उन लोग का चीनी सबसे मेन है, पता नहीं क्यों। उन लोग सब्जी भी बनाते हैं ना, तो भी हर सब्जी में हल्का चीनी जाता है, तो हम लोग इसको चीनी को थोड़ा सा ये करेंगे। मसाला लिया था अखा, वो इसमें डाल देंगे। लोग जो रेस्ट के लिए छोड़े थे, अब इसको हम लोग उसमें डालेंगे, इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे।
अब इसमें हम लोग पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही हम लोग फ्राई करेंगे थोड़ा। थोड़ा देर बाद पानी डालेंगे, पहले इसमें फ्राई करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, मेरे से हिल नहीं रहा था, तो सागर मेरे को हेल्प कर रहा है। इसको पूरे अच्छे से इसको हम लोग फ्राई करेंगे, जैसे चिकन को हम लोग भूंजते हैं ना, उस तरह से मटन को भूंजेंगे पूरे अच्छे से। सो इसको हम लोग ने भूंज करके हो गया है, तो देखो जब भूंजने के बाद देख रहे हो इधर में किस तरह से तेल छूट रहा है, तो उस तरह से तेल छूटता है, किसी का छूटता है किसी का नहीं छूटता है, बट हम लोग ये तेल छूट रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग पानी डालेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। तो हम लोग को ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पूरा अच्छे से मिक्स करते हैं थोड़ा। अब इसको हम लोग ढक्कन मार के छोड़ देंगे 3 से 4 सीटी, बस इतना? 3 से 4 सीटी, बट हम लोग 3 किलो लिए तो हम लोग 4 सीटी मारेंगे। तो फाइनली अभी हम लोग ये मुकबैंग का वीडियो चालू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले संकेत, तेरे को पता है ये जो है ना, इसको बोलते हैं मंगशेर लाल लाल झोल, और ये बंगाली फेमस रेसिपी है, और ये खास सुप्रिया ने आज बनाया है, तो तू टेस्ट करके बता कि कैसा है, थोड़ा तेरे को कैसा लग रहा है एक बार बता, और मैं भी करूंगा टेस्ट। नाम तो डिफिकल्ट है बहुत, लेना ही मुश्किल है, बट झोल पता है स्पाइसी। हाँ, ग्रेवी जैसा रहता है। झोल मतलब ग्रेवी ना। अच्छा है ना, और पूरा पका है, सॉफ्ट, और ग्रेवी भी अच्छा है, मसाला अच्छा है। तो मस्त सुप्रिया, तुमने एक नंबर काम किया है आज, हमारा तो दिन बना दिया। तो ऐसे ही मजेदार रेसिपी अगर आपको चाहिए अलग अलग यूनिक, तो आपको मिलेंगे वीकेंड बाइट किचन पे, और वहां जाके आपको धमाल वीडियो मिलेंगे सब एक से। तो संकेत टेस्ट तो एक नंबर था ना, मजा आ गया, मेरे को भी बहुत मजा आया। ऐसे ही हटके और रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक अगर आपको आज का ये लाल लाल मंगशेर झोल बंगाली रेसिपी अगर पसंद आया, तो प्लीज अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक वीकेंड बाइट किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। अभी फिलहाल हम लोग मुकबैंग हमारा स्टार्ट करते हैं, भूख लगा है। चलो भाई, चलो 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 स्टार्ट।